अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलिए मैं आज बनाने जा रही हूँ कद्दू का दालचा रेड चिकन। आप लोग देख सकते हैं, पहले मैं कद्दू का दालचा बना लूँगी। ये कद्दू है, इसको कट कर लूँगी। ये कद्दू है, कट करके साफ़ करके रख ली। ये दाल है, तीन पानी से धो के रखी हूँ साफ़ करके। ये गोश है, इसको भी धो के साफ़ करके रख। एक मुट्ठी पकी इमली है, एक 20 मिनट पहले भिगने रखी थी। ये टमाटे है, इसको भी धो के साफ़ करके रख ली हूँ। एक करिया पाक है, इसको भी धो के साफ़ करके रख ली हूँ। ये हल्दी है, ये नमक है, ये तेल है, ये मिर्ची है, गरम मसाला है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये कोथिंबीर को धो के साफ़ करके रख ली हूँ। ये हरी मिर्ची को भी कट लगा के रख ली हूँ धो के। आप लोग चलिए मैं बनाने का तरीका बतलाऊँगी। आप लोग देख सकते हैं, मैं ये दाल गला लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटे डाल लूँगी, आप लोग देख सकते हैं इसमें मैं पूरा मसाला डाल दी हूँ। अब मैं ये तीन सीटी लगा लूँगा। माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं उधर मेरी दाल गले तक। मैं इधर गोश्त भून लूँगी, कद्दू गोश्त। आप लोग देख सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख सकते हैं मेरा ये मसाला अच्छी तरीके से, और गोश्त भुने के बाद आप लोगों को बताऊंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं मेरा गोश्त अच्छी तरीके से भुने गया है। पूरा मसाला भी मिला ली हूँ मैं। थोड़ा गोश्त गलने के लिए पानी डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी दाल अच्छी तरीके से गल चुकी है, मैं इसको घोट लूँगी। दाल घोटने की मदद से घोट लूँगी। थोड़ा सा करिया पाक डाली हूँ, घोटी में डाल रही थी ना, ये नमक डाल रही हूँ। अब मैं ये दाल को घोट लिए बाद आप लोगों को बताऊँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं दाल घोट ली हूँ मैं। आप लोग देख सकते हैं मेरा गोश्त गल चुका है। मैं कद्दू डाल रही हूँ गलने के लिए। मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ कद्दू गलने के लिए। ये कद्दू अच्छी तरीके से मिला लूँगी मैं। बहुत जल्दी गलता है कद्दू, आप लोग देख सकते हैं मेरा कद्दू गले बाद बतलाऊंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं उधर मेरा कद्दू गले तक। मैं रेड चिकन की तैयारी कर लूँगी। चिकन को धो के साफ़ करके रख ली हूँ। ये लेग पीस को कट करके रख ली हूँ। ये 6-7 हरी मिर्ची है, थोड़ा सा पुदीना है, थोड़ा सा करिया पाक है, थोड़ा सा कोथिंबीर है, हल्दी है, मिर्ची है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये चिकन कलर है, ये गरम मसाला है, ये तेल है, ये नमक। सबसे पहले मैं चिकन डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ये मसाला डाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं मैं हाथ की मदद से अच्छी तरीके से मसाला मिला लूँगी। अब इसको आधा घंटा मसाला मिला के रख दूँ। मैं ये आधे घंटे के लिए ढक के रख दूँगी। चलना, आप लोग देख सकते हैं मेरा कद्दू भी गल चुका है अच्छी तरीके से, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं ये दाल मिला रही हूँ। बहुत आसान बनता है, झटपट बनता है ये। खट्टा मैं मत के छान के रख ली हूँ, आप लोग देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख सकते हैं जो मैं इमली का खट्टा डाली हूँ, वो औंटे बाद आप लोगों को बतलाऊँगी। आप लोग देख सकते हैं मेरी इमली का खट्टा औंट चुका है। मैं गर्म मसाला डाल रही हूँ दम पे। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह, गरम मसाले डाले बाद और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मेरे सालन की। अब मेरा ये दालचा तैयार हो चुका है। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं ये आधा घंटा हो चुका है, मसाला लगा के रख ली हूँ। अब मैं थोड़ा सा चिकन का पानी भुने के बाद आप लोगों को बतलाऊँ। आप लोग देख सकते हैं कि मेरा चिकन अच्छी तरीके से भुन गया है मसाले के साथ। मैं थोड़ा सा चिकन गलने के लिए पानी डाल रही हूँ। अब ये चिकन गल के बाद आप लोगों को बताऊँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं मेरे चिकन की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप लोग देख सकते हैं मेरा चिकन अच्छी तरीके से गल चुका है, आप लोग देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा हरी मिर्ची दम पे डालूँगी, आप लोग देख सकते हैं। अब मेरा ये रेड चिकन तैयार हो चुका है, मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं मैं आज बनाई हूँ कद्दू का दालचा गोश्त, ये रेड चिकन चटपटा, ये बघारा खाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं मैं आप लोगों को चख के बतलाऊँगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह यम्मी 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 बना है। मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़।